अब आपको सीधे ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश व्यापी एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। भाव को प्रस्तुत किया गया है इन पेंटिंग्स के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी पेंटिंग्स का अवलोकन कर रहे हैं और सिग्नेचर अभियान के तहत सिग्नेचर वॉल पर माननीय मुख्यमंत्री जी हस्ताक्षर करेंगे, साथ ही साथ मंत्रीगण भी हस्ताक्षर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी हाजिरी का हस्ताक्षर, इस अभियान से जुड़ने का हस्ताक्षर है माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत आज वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने चित्रकला प्रतियोगिता का अवलोकन किया, पेंटिंग्स का अवलोकन किया। अब वे छात्र छात्राओं से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे चर्चा करते हुए हमारे कार्यक्रम स्थल पर पधार रहे हैं। इसी मुहिम के अंतर्गत सिग्नेचर अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना हस्ताक्षर कर अपनी हाजिरी को प्रस्तुत किया, सामान्य मंत्रीगणों ने भी अपनी हाजिरी प्रस्तुत की। आज वृहद पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन, एक पेड़ माँ के नाम, वृक्ष लगाएं और जीवन बचाएं। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है और उनकी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है जब तत्ता है सारा अंबर, आग बरसती है धरती पर, फैलता है पत्तों का छाया, सबको सदा बचाते हैं ये वृक्ष और इन वृक्षों को संरक्षित करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रतीक है प्रेम का, आदर का, सम्मान का, कर्तव्य का और निष्ठा का। कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सबसे पहले पौधारोपण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंत्रीगण पौधारोपण के स्थल पर प्रस्थान करते हुए, अनूठी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, एक ऐसी सोच जिससे पर्यावरण को संरक्षित रख सकें और अपने भविष्य को संरक्षित रख सकें, क्योंकि एक पेड़ हमको बहुत कुछ देता है। जिस प्रकार से माँ हम सभी को जीवन देती है, उस प्रकार से प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है और ये अवसर है जागने का, जागृत होने का, और ये ठाना है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस मुहिम के माध्यम से अपील की है कि एक पेड़ माँ के नाम से रोपित करना है। आज मध्य प्रदेश में इस प्रदेश व्यापी अभियान को प्रारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पौधारोपण स्थल पर पहुंच चुके हैं सम्माननीय मंत्रीगण के साथ। सब पड़े सब बड़े की तरह पर्यावरण की रक्षा करना है, जागो भारत जागो विश्व, अब ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है और इसी उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पूजा अर्चना के साथ पौधारोपण करेंगे। प्रकृति को संरक्षित रखने का अनूठा प्रयास, एक अनूठी मुहिम माननीय प्रधान पूजन अर्चना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय विश्वास सारंग जी, सम्माननीय मंत्रीगण, विधायकगण हमारे बीच पधारे, प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी पौधारोपण के पश्चात हमारे साथ मंच पर होंगे। ये स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने का एक सु अवसर है ये। एक तो मंत्री मालती ये आई है, प्रतिमा बागरी मैडम। ओम नमः स्वस्तिरेन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिरहं वोघा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु मृगदश्वामरुदः वृष्णमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः
आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और ये शंखनाद है प्रकृति को संरक्षित रखने का, एक पेड़ माँ के नाम, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अनूठी सोच है। विश्व पर्यावरण दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान का आगाज किया और इसी के अंतर्गत आज प्रदेश व्यापी अभियान प्रारंभ किया गया। शंखनाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले पौधारोपण किया सम्मानीय मंत्रीगणों के साथ, और ये स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। युवा शक्ति हमारे बीच उपस्थित है जो साक्षी बनने जा रही है, क्योंकि ये अवसर है। और जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। प्रदेश अध्यक्ष विनीत शर्मा जी हमारे बीच, सम्मानीय मंत्रीगण विधायकगणों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से, जैसा कि हमारी शाश्वत परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम से पूर्व दीप प्रज्वलित किया जाता है, मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय मंत्रीगणों से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनीत शर्मा जी से कि दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। एक अनूठा अवसर है, आइए धरती के लिए हम सब जुड़ जाएं, एक पौधा जरूर लगाएं, जो कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम। और इसी के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी अभियान प्रारंभ हो रहा है। एक अनूठा उद्देश्य, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, 5.5 करोड़ पौधे लक्षित हैं। हमारे मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने का एक अनूठा प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण के साथ हुई, और जैसा कि हमारी परंपरा है, भारत की परंपरा है, कि दीप प्रज्वलित कर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जैसा कि वर्णित है, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नधा, परोपकाराय दुहंती गवाह, परोपकाराय इदम शरीरम। वृक्ष पशु पक्षी का परम धर्म परोपकार है, और परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देता है, नदियां बहती हैं, गाय दूध देते हैं, और इसी प्रकार से मनुष्य का परम धर्म है परोपकार। आज एक परोपकारी अभियान की पहल हो रही है मध्य प्रदेश में। आज प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत, वृहद पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। और पुनः हम हृदय से स्वागत करेंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार करतल ध्वनि। आज हमारे बीच काफी बड़ी तादाद में युवा शक्ति उपस्थित है इस मुहिम से जुड़ने के लिए। ये पुनर्जागरण का अवसर है जिसके हम सभी साथ बन रहे हैं। पंचासीन सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
हमारे भारत की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी उपलक्ष्य में मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय महापौर महोदया जी श्रीमती मालती राय जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनि के बीच आज हमारे लिए ये अवसर स्वसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आपकी तालियां छात्र छात्राओं के बीच तालियां, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है। आपकी तालियों के बीच स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। साथ ही निवेदन माननीय महापौर महोदया जी से कि वे हमारे बीच पधारे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका भी स्वागत करें अभिनंदन करें। आपकी तालियां बज रहना चाहिए। सामान्य अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं इस शुभ अवसर को संबोधित करने के लिए आगे हैं श्री आलोक शर्मा जी माननीय विधायक से कि वे हमारे बीच पधारे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें। तालियों के साथ स्वागत है श्री विश्वास सारंग जी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री निवेदन माननीय महापौर महोदया जी उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत कर रही हैं अभिनंदन कर रही हैं। निवेदन करना चाहेंगे माननीय महापौर जी से कि वे हमारे बीच पधारी माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्रीमती प्रतिभा बागड़ी जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका भी स्वागत करें अभिनंदन करें। उनके साथ हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है प्रतिभा बागड़ी जी आपका। निवेदन है माननीय महापौर हमारे बीच संगठन मंत्री पधारे हैं हितानंद जी आई जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे बीच पधारे संगठन मंत्री हितानंद जी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है। आग्रह माननीय महापौर महोदया जी से कि वे हमारे बीच पधारे राज्य मंत्री पंचायत राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक श्रीमती कृष्णा गौर जी आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है। निवेदन माननीय महापौर जी से कि वे माननीय श्रीमती राधा सिंह जी राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करें। आपकी तालियों के साथ स्वागत है श्रीमती राधा सिंह जी का। आते हैं श्री मनोज राठौर जी से कि हमारे बीच पधारे विधायक जी श्री आलोक शर्मा जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें। माननीय सांसद हैं श्री आलोक शर्मा जी के स्वागत के लिए निवेदन मनोज राठौर जी से कि वे उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें। निवेदन आर के सिंह बघेल जी MIC मेंबर से कि वे हमारे बीच पधारे श्री भगवान दास सनानी जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें। निवेदन श्री रविंद्र यागी जी से कि वे माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें। निवेदन जगदीश यादव जी से कि वे हमारे बीच पधारी माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें। माननीय महापौर जी का स्वागत अभिनंदन। श्री राजेश हिंगुरानी जी से निवेदन है कि माननीय महापौर जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें। छाया ठाकुर जी से निवेदन है कि वे माननीय महापौर जी का स्वागत करें अभिनंदन करें। आनंद अग्रवाल जी से निवेदन है कि वे हमारे बीच पधारी रामपुर जी जिला पंचायत को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें। नीरज सिंह जी MIC मेंबर से निवेदन है कि वे स्वागत करें माननीय सुमित पटोई जी का। शक्ति राव जी से निवेदन है कि वे हमारे बीच पधारे श्री किशन सूर्यवंशी जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें अभिनंदन करें। और आपकी तालियों के साथ एक बार मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय मंत्रीगण सम्मानीय विधायकगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। नगर निगम अध्यक्ष का स्वागत करेंगे MIC मेंबर जीतन शुक्ला जी। और स्वागत के क्रम को यही समाप्त करते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे बीच माननीय महापौर महोदया जी श्रीमती मालती राय जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आइए तालियों के बीच हम निवेदन करें माननीय श्रीमती मालती राय जी से। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो विचारधारा थी कि एक पेड़ हम अपनी माँ के नाम पर अवश्य लगाए, और इसी कार्यक्रम में भोपाल जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत बंधन अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे कार्यक्रम में उचित मध्य प्रदेश शासन में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष लोकसभा के खुजराहो से सांसद भाई BD शर्मा जी का भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत बंधन अभिनंदन करी हूँ। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री
परम सम्मान्य हेतानंद जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित खेल युवा मंत्री भाई विश्वास कैलासारा जी का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भोपाल के सांसद भाई आलोक शर्मा जी का दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में भी मंच पर उपस्थित राज्य शासन राज्य मंत्री एन कृष्णा गौर जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारी बहन प्रतिभा बागरे जी राज्य मंत्री दिल की गहराइयों से मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित बहन राधा जी राज्य मंत्री जी का भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हुजूर विधानसभा के विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी का दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित दक्षिण पश्चिम के विधायक भाई भगवंदा सबनानी जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई राहुल कोठारी जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष बहन कुंवर जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे MIC के समस्त मेंबर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त संगठन के पदाधिकारियों का, यहाँ उपस्थित भोपाल की जनता जनार्दन का, मीडिया के बंधुओं का, जिला कलेक्टर का, नगर निगम के समस्त अधिकारियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं मंच को बुलाना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भोपाल नगर निगम ने 1,20,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है और 1,20,000 पौधे लगाने के लिए आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और भोपाल नगर निगम ने ये जो प्रांगण है यहाँ पर 26,000 एक पौधे लगाने की व्यवस्था की है और लगभग 8,000 से ज्यादा पौधे हमारे लग चुके हैं। भोपाल के समस्त NGO के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, NCC के माध्यम से सभी विभागों को बुलाकर, सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को बुलाकर और अन्य सभी को बुलाकर हमने कार्यक्रम आज का कार्यक्रम किया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि आपके देश पर जो जल गंगा अभियान हुआ था उसमें भोपाल नगर निगम ने 12 जलाशयों पर 128 डंपर हमने वहां से गाद निकाला था और लगभग 142 आसपास के क्षेत्र से कचरा संग्रहण करके भोपाल नगर निगम ने स्वच्छता का जल गंगा अभियान में कार्यक्रम किया। हमारे भोपाल नगर में 54 बावड़ियां थी और 42 कुएं थे, उस पर भी भोपाल नगर निगम ने आपकी मंशा के अनुरूप यहाँ पर काम किया है। मैं आज के कार्यक्रम में अपनी बात को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर महोदय, आपके स्वागत भाषण के लिए। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जो कि ऊर्जा से भरपूर हैं, तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे बीच पधारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से कि हम सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे भोपाल में आयोजित और आज लग एक वृक्ष माँ के नाम इस अभियान में हमारे जो उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, यहां के हमारी महापौर मालती राय जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहां के सम्मानीय सांसद आलोक शर्मा जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आज इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी सम्मानीय पदाधिकारी और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित इस अभियान में सम्मिलित सभी नौजवान, हमारे स्कूल के सभी छात्र छात्राएं और आज लगभग 25,000 की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार, एक बृहद वृक्षारोपण का हमने लिया है इसकी सरकार ने, माननीय मोहन यादव जी ने आज एक वृक्ष माँ के नाम, अपनी माँ के नाम से उन्होंने भी आज एक पौधा लगाया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इस अभियान के हम सब प्रत्यक्षदर्शी बने हैं और देश के अंदर करोड़ों प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस वृक्षारोपण के अभियान के साथ सभी लोग जुड़े हैं। सभी प्रशासन का, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के
हमारे जनप्रतिनिधियों का, सभी कार्यकर्ताओं का और सम्मिलित समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों का भी मैं आप सबका बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्या इतने बड़े बृहद वृक्षारोपण के अभियान में हम सब सम्मिलित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सब लोगों को जो आह्वान किया है उसमें हम सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं और मैं आह्वान करता हूं कि हम सभी अपनी मां के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से, तेज से, नवीन सोच से और अपनी दूरदृष्टता से सशक्त, समृद्ध और स्वस्थ और साथ ही साथ हरे भरे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी। आइए जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत महत्व के बड़े कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम जोरदार नंदन करें भोपाल जिला प्रशासन नगर निगम सभी के लिए। आज मध्यप्रदेश सरकार का एक संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो उनकी इच्छा है एक पेड़ मां के नाम, यह अद्भुत प्रयोग अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मंच पर मौजूद हमारे माननीय विश्वनाथ शर्मा जी, माननीय सांसद खजाओ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी, माननीय मंत्री विश्वास सारण जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्रीमती प्रतिभा वागरी जी, हमारे सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सलानी जी, इस अवसर पर महापौर मालती गौर जी, एक और मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, मंचस्थ नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण और प्यारे प्यारे बच्चों, आमंत्रित अतिथिगण, आज का दिन हम सबके लिए एक अलग प्रकार के एक अलग दौर में ले जा रहा है। तो कहा जाता है कि वृक्ष का बड़ा सरल अलग प्रकार से वेदों में इनकी महत्ता गाई गई है। 10 वृक्षों के बराबर एक कुप अर्थात एक कुआ, इसे इसके बारे में माना गया कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और एक 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर और 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष, ये मान्यता हमारे वेद मंत्रों के लिए है। व्यक्ति के जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति का अपना महत्व है, लेकिन वृक्षों को जिस प्रकार से पूजा गया है और हमारी संस्कृति तो कदम कदम पर पेड़ में, पत्ते में, हमारी प्रकृति में परमात्मा का जो वास की भावना है वो हमारे लिए कण कण में है। आज से लगभग 100 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला था जगदीश चंद्र बसु जी को। रॉयल सोसाइटी लंदन में उनको पुरस्कार दिया गया और उनसे कहा गया कि आपने बहुत बड़ा आविष्कार किया है कि पौधों में प्राण है, ये उनने पहली बार सिद्ध करके बताया। तो लंदन सहित इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि आपको भारत में जाओगे तो सिर माथे पे घुमाएंगे लोग आपको और कहेंगे आपने बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, ये बहुत बड़ी खोज कर दी कि पौधों में प्राण होते हैं। उनने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उनने कहा मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा, मेरा सम्मान नहीं होगा। लेकिन लोग समझते नहीं कि नोबेल पुरस्कार किसको मिलते हैं, आपने बहुत बड़ी खोज कर दी। उनका जवाब हम सबके लिए बहुत अच्छा था। उनने कहा भाई वहां गांव से गांव के अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधों में प्राण होती है, ये तो आपको मालूम नहीं, आपके लिए पहली बार जानकारी आई है कि पौधों में प्राण होते हैं। हमारे लिए आज बदलते दौर में वृक्षों की महत्ता क्या है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का ये अभियान चला है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आज पूरे देश का लगभग 35% के आसपास हमारे पास है और जिस प्रकार से आज हम सब इस आयोजन में जुड़े हैं, खासकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है, मैं इस अवसर पर आपको बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में वन विभाग और सभी विभागों को मिलाकर के लगभग 5.5 करोड़ पौधे हम लगाने जा रहे हैं। एक बार इस संकल्प के लिए जोरदार अभिनंदन करें। पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है, 12 लाख पौधे हमारे भोपाल में लगने वाले हैं, इंदौर ने 51 लाख पौधे का टारगेट लिया, आज से लगा करके 14 तारीख तक लगातार उनके 51 लाख पौधे लगेंगे। इसी प्रकार से जबलपुर ने 12 लाख पौधे लगाने का निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो संकल्प परमात्मा सभी के पूरे करेंगे, थोड़ा विलंब से आया उसकी क्षमा भी चाहता हूँ, और आज बोलने से ज्यादा तो करने का दिन है। हम सब इस पूरे अभियान में शामिल हुए, आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊर्जावान वचनों के लिए। आपको बताना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज के इस कार्यक्रम स्थल पर लगभग 5,000 लोगों ने
पौधारोपण किया। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी आयोजित किया गया था। और हमारा भोपाल जो है कल वो दूसरे स्थान में था पूरे भारत में हैशटैग एक पेड़ माँ के नाम पर। और जो लक्ष्य है हमारा 12 लाख पेड़ को लगाने का, आज ही के दिन इनको संरक्षित भी किया जाएगा, संवर्धन भी किया जाएगा हम सभी द्वारा। और बारिश के मौसम में लगभग 40 लाख पौधे लगाना लक्षित है। कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करना चाहूँगी सांसद महोदय जी श्री आलोक शर्मा जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। एक पेड़ माँ के नाम इस कार्यक्रम में आज हमको प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे खजुराहो संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का मार्गदर्शन मिला। मैं सभी भोपाल वासियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं मंचासीन सभी जनप्रतिनिधियों का आज के इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करता हूं।
तो जम्बूरी मैदान में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई और सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि आज दिन भर पौधारोपण किया जाएगा। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और ये पौधे भोपाल जिले के 300 स्थानों पर लगाए जाएंगे। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत आज से, और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पौधारोपण करके किया। और बता दें कि भोपाल में 12 लाख पौधारोपण किया जाएगा और पूरे प्रदेश भर में 5.5 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। और दिन भर आज एक पेड़ मां के नाम अभियान जो है वो चलता रहेगा। इसके अंतर्गत लाखों पौधारोपण आज होगा। सत्ता संगठन के साथ आम जनता भी पौधारोपण जो है वो करेंगे।